सबसे पहला है हल्दी। हल्दी एक इकलौता डे इवेंट है जहां मोस्टली लोग येलो पहनते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन, इतना बड़ा इवेंट नहीं होता यूजली, बट काफ़ी ज़्यादा लाइवली और काफ़ी ज़्यादा फन इवेंट होता है। यू विल शाइन डिफरेंटली, और अगर आप साथ में डांस करोगे ना तो इस कुर्ते के साथ वो वाइब ही अलग होगी। लास्टली आ जाते हैं बहुत सारे लड़कों की फेवरेट इवेंट, कॉकटेल पे। मेरे एक खास दोस्त की शादी है, बट दो प्रॉब्लम्स मेरे लिए हो गई हैं। पहली तो ये, शादी की उम्र तो मेरी भी हो रही है बट कोई मोहतरमा नहीं मिल रही है। खैर, दूसरी प्रॉब्लम ये है, शादी के दिन क्या पहनना है वो बड़ी बात नहीं है, कोई शेरवानी पहन लूँगा एक्सेट्रा या बंद गला, बट उससे पहले चार फंक्शंस हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत और कॉकटेल। अब उन पे क्या पहनना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये जो प्रॉब्लम है ना ये आप लोग भी फेस करते होंगे, तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेट मी एक्चुअली गिव यू 4 आउटफिट ऑप्शंस फॉर वेडिंग फंक्शंस। माई नेम इज़ वैभव केसवानी, योर इमेजन स्टाइल कोच, और अगर आपको फैशन, स्टाइल, ग्रूमिंग या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें जाननी और कॉन्टेंट चाहिए, देन मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल ऑप्शंस। तो आज की वीडियो में मैं शादी होने से पहले जो फंक्शंस होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत और कॉकटेल, वहाँ पर आप क्या पहन सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरा इरादा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं दिखाने वाला, ज़्यादा डिज़ाइनर्स चीज़ें नहीं दिखाने वाला, बिकॉज इन दैट केस वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं और उनको एक्सेस करना मुश्किल है। एक बजट में रह के अफोर्डेबल चीज़ों के साथ हम कैसे और ज़्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं स्पेशली इन इवेंट्स पे, और इनको और मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। सबसे पहला है हल्दी। हल्दी एक इकलौता डे इवेंट है जहाँ मोस्टली लोग येलो पहनते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन भी येलो कुर्ता ही रहेगी। आई नो वो कॉमन होता है बट हम उसको स्टाइल ऐसे करेंगे कि वो थोड़ा डिफरेंट दिखे। आप अपने येलो कुर्ते के साथ एक ब्लैक नेहरू जैकेट पेयर कर सकते हैं। येलो बीइंग अ ब्राइट कलर, जब आप उसको एक डार्क कलर के साथ पेयर करेंगे इट विल मेक अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट एंड लुक वेरी वेरी स्टनिंग एट द सेम टाइम। ब्लैक मैंने इसलिए चूज़ किया है, फर्स्टली येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सेकेंडली आप जब उसको गोल्डन एक्सेसरीज के साथ पेयर अप करेंगे उस पूरे आउटफिट को, तो उस आउटफिट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस दिखेगा इवन इफ इट इज़ अफोर्डेबल। Now that you already have yellow and black in your outfit और bottom wear white color का है, मैं ये recommend नहीं करूँगा कि आप अपना footwear किसी चौथे color का ले लें, because already there's a lot of color schemes going in your outfit. So the best color that you can opt for is black in terms of your footwear. Now you can go for a black peshawari, आप black जूती पहन सकते हैं, या फिर अगर आपको और ज़्यादा modern और ज़्यादा contemporary feel चाहिए then you can also go for black tassel loafers. Next event पे आते हैं जो है मेहंदी। नाउ मेहंदी मेल डोमिनेंट इवेंट नहीं होता है एक्चुअली, और ग्रीन्स सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं यूजली हल्दी पर। नाउ आफ्टर कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड आई हैव ऑप्टेड फॉर अ कुर्ता विच हैज़ एम्ब्रॉयडरी एंड विच हैज़ सम रियली ब्यूटिफुल डिज़ाइन अराउंड इट्स कॉलर। ये एक डार्क टील कलर का कुर्ता है, बिकॉज ग्रीन अगर मैं पहनता तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता। दिस इज़ इन द फैमिली ऑफ ग्रीन बट एट द सेम टाइम इट स्टैंड्स आउट। साथ ही साथ जो इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है, इट इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर एंड दिस कुर्ता इज़ अ स्टेटमेंट पीस इन इट सेल्फ। इसके साथ आपको लिटरली कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको एक नेहरू जैकेट या फिर शॉल फॉर दैट मैटर, ऐसी चीज़ें लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दिस कुर्ता इन इट सेल्फ इज़ मोर देन इनफ। Now to give a different vibe to my outfit altogether, मैं अपने outfit को Chelsea boots के साथ pair up करने वाला हूँ। You need to make sure जो भी आप Chelsea boots पहने वो काफ़ी slim होने चाहिए, उनका sole जो है काफ़ी पतला होना चाहिए, और साथ ही साथ वो high ankle होने चाहिए, low ankle नहीं। लास्टली चाहिए कुर्ता 2700-2800 रुपए की रेंज में, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर आपके किसी खास की शादी है, क्योंकि इतना बजट तो बेसिक है, इतना बजट तो रहता ही रहता है, इसकी वजह से इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगीत की। संगीत इतना बड़ा इवेंट नहीं होता यूजली, बट काफ़ी ज़्यादा लाइवली और काफ़ी ज़्यादा फन इवेंट होता है, सो उसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट योर आउटफिट शुड बी लाइवली, इट शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। इसलिए मैंने एक ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का कुर्ता चूज़ किया है जिसपे मिरर वर्क हो रखा है। नाउ लाइट ग्रे इसलिए बिकॉज संगीत की वाइब ना डार्क वाली होती नहीं, इवन दो वो एक इवनिंग या फिर नाइट फंक्शन है। यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस लाइट ग्रे कुर्ता एंड ट्रस्ट मी यू विल शाइन डिफरेंटली, और अगर आप साथ में डांस करोगे ना तो इस कुर्ते के साथ वो वाइब ही अलग होगी।
हालांकि जब आप ये कुर्ता पहनोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इस पर मिरर वर्क हो रखा है, यू नीड टू वेयर अ वेस्ट इनसाइड, वरना ये थोड़ी देर बाद ना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ऑल्सो इफ यू आर ऑर्डरिंग दिस कुर्ता, द वन दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ, मेक श्योर यू ऑर्डर अ साइज लार्जर देन योर रेगुलर साइज। मैं मीडियम पहनता हूँ, बट जो मैं कुर्ता अभी पहना हुआ है, जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो लार्ज साइज है। लास्टली फुटवेयर के लिए मैं फिर से टैसल लोफर्स लूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल, लाइट वेट एंड गोज वेल विद माई आउटफिट, बिकॉज पेशावरी जूती एक्सेट्रा में ज़रूरी नहीं है कि मुझे डांस करते वक्त वही कम्फर्ट मिले। लास्टली आ जाते हैं बहुत सारे लड़कों की फेवरेट इवेंट, कॉकटेल पे। नो कॉकटेल का पर्पस तो आप सबको पता ही है, और वो नाइट फंक्शन ही होता है। नाउ सिंपल है, अगर आप किसी फैंसी कॉकटेल में जा रहे हैं, सिंपली वेयर अ टक्सीडो, वेलवेट में टक्सीडो ले लेना, दैट इज़ अबाउट इट। बट आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या अगर फैंसी कॉकटेल नहीं है, देन वॉट यू कैन वेयर। इन दैट केस यू डिन नॉट नीड टू गो ट्रेडिशनल, टिपिकल ट्रेडिशनल मत जाना, बिकॉज मोस्टली जब आप एक कॉकटेल में जाते हो, ज़्यादातर लड़के ही होंगे, और सारे लड़के ट्रेडिशनल नहीं पहनते, और ना ही एक ऐसा इवेंट है। सो वी गोइंग टू गो वेस्टर्न हियर, बट विद अ टच ऑफ ट्रेडिशनल। उसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक आउटफिट चूज़ किया है, विच इज़ ऑफ अ वाइट शर्ट विद अ ब्लू चीनोज, जो भी आपको पसंद हो, जिस भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, उसके साथ सिंपली एक वेलवेट नेहरू जैकेट ऐड कर लेना। नाउ आई एम गोइंग टू पर्सनली ऐड अ ग्रीन, अ बॉटल ग्रीन नेहरू जैकेट, विच लुक्स वेरी वेरी रॉयल एंड इज़ वेरी प्रीमियम एट द सेम टाइम। नेहरू जैकेट में आप एक पॉकेट स्क्वायर भी ऐड कर सकते हो टू एक्चुअली अपलिफ्ट द लेवल ऑफ योर आउटफिट। और फुटवेयर में ट्राई गोइंग फॉर अ ब्राउन कलर शूज़, चाहे वो चेल्सी बूट्स हों, चाहे वो ब्रोक्स हों, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, वट एवर सूट्स योर स्टाइल, यू कैन लिटरली गो विद दैट। वेल दैट वॉज अबाउट टूडेज वीडियो। वेडिंग के जो फंक्शंस हैं उसमें आप कैसे तैयार हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करी है, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, मेक श्योर यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको पर्सनली इनमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा, और अगर आप ये किसी वेडिंग फंक्शन में पहनो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर एक फोटो भेज देना, मैं उसको स्टोरी में ज़रूर डाल दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश।